अस्सलाम वालेकुम, मैं नीला और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नीला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है हेल्थी ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इस रेसिपी के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है, ये चॉकलेट है एक कप, बादाम है ये एक बाउल, इनको ये मोटा मोटा काट लिया है, पिस्ता है ये इनको भी मोटा मोटा काट लेना है, ये अखरोट है और ये मूंगफली है और ये नारियल है। अब इस रेसिपी को तैयार करते हैं। ये पैन लिया है हमने, जो ड्राई फ्रूट है ना हमारे, इनको ज़रा रोस्ट करना है। ये पिस्ता, बादाम डालेंगे हम, ये अखरोट, ये मूंगफली और ये नारियल, इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। ये ड्राई फ्रूट हमारे जो है ना वो रोस्ट हो गए हैं, इनको हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और ड्राई फ्रूट को ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम अपनी कुकिंग चॉकलेट की तरफ चलेंगे। चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए ये हमने कढ़ाई ली है, इसमें पानी डाला है, पानी गर्म हो गया है। ये सॉस पैन में मैंने चॉकलेट डाली है, अभी इसको मेल्ट करेंगे। ये कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया सॉस पैन को। ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको पानी में से, गर्म पानी में से निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट जो है ना वो शामिल कर लेंगे। ड्राई फ्रूट डाल लिए इसमें, इसको हम मिक्स करेंगे। हमारी चॉकलेट और ड्राई फ्रूट जो है ना ये मिक्स हो गया। ये ट्रे लिया है, इसमें ये प्लास्टिक लगाई है मैंने, इसमें थोड़ा सा ना ऑयल लगाया हमने। अब इसमें ये चॉकलेट जो है ना वो हमने लगानी है। चॉकलेट और ड्राई फ्रूट को इधर ट्रे में लगा लिया। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे जमने के लिए, फिर इसको निकाल के इसके स्लाइस काटेंगे। ये जो हमारे चॉकलेट पार थे इनको हमने फ्रिज में रखा था, ये हमारे चॉकलेट जो है ना वो जम गई, इसको निकालेंगे अब हम। अब हम इसके कटिंग करेंगे, ये बार काटेंगे हम। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।